मेरी सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को भी देश की कृषि नीति और योजनाओं में प्रमुखता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपया प्रीमियम भरा, इसके बदले उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपये का क्लेम मिला है। किसानों को सस्ती खाद मिले इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च किए गए हैं। मत्स्य उत्पादन पिछले 10 साल में 95 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मेट्रिक टन यानी लगभग 2 गुना हो गया है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 40% बढ़ी है। खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त टीकाकरण अभियान। हमारा ये प्रयास है कि खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक हो। मेरी सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को भी देश की कृषि नीति और योजनाओं में प्रमुखता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल चुके हैं। 2 सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में 3 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपया प्रीमियम भरा, इसके बदले उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपये का क्लेम मिला है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपया MSP के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। ये 2014 से पहले के 2 सालों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। पहले तिलहन और दलहन फसलों की सरकारी खरीदी नहीं की बराबर थी। पिछले दशकों में तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को MSP के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपया मिले हैं। ये मेरी ही सरकार है जिसने पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा है। किसानों को सस्ती खाद मिले इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने 2.25 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ FPO बनाए जा चुके हैं। मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। जिन गांव में सहकारी समितियां नहीं है वहां 2 लाख समितियां बनाई जा रही है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपया से अधिक की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादन पिछले 10 साल में 95 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मेट्रिक टन यानी लगभग 2 गुना हो गया है। इनलैंड फिशरीज का उत्पादन 61 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मेट्रिक टन हो गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात भी 30,000 करोड़ रुपया से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपया तक यानी 2 गुनी से ज़्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। पिछले दशकों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 40% बढ़ी है। पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब तक 4 चरणों में 50 करोड़ से ज्यादा टीका पशुओं की दिए जा चुके हैं। स्पॉन्सर्ड बाय जेमिनी सर्विस।